हाँ चंपुड़ी, हम सब लोग गोवा जा रहे, बस सागर जी नहीं आ रहे हमारे साथ। हाँ तो नहीं, उन्हें ऑफिस में काम होगा ना कुछ तो पची। अच्छा सुन चंपुड़ी, मैं ना गोवा से तेरे लिए पक्का कुछ ना कुछ लेकर आऊंगी। हाँ चल चल जय अम्बे। मही तुम सच में जा रही हो? हाँ तो। अरे मॉम के पार्टी की मीटिंग है, तुम वहाँ बोर हो जाओगी। अरे सागर जी बोर तो मैं यहाँ हो जाऊंगी, क्योंकि आप तो ऑफिस चले जाएंगे ना। अच्छा तो मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ। हाँ मैं ना 3 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ। हाँ तो सागर जी चलिए ना, हम सब लोग गोवा चलते हैं। अरे मही मेरा कहने का मतलब तो समझो, गोवा में सब लोग होंगे और यहाँ सिर्फ हम दोनों। सागर जी सिर्फ हम दोनों क्या मंजीरा बजाएंगे? ना ना वहाँ पर सब लोग ऐश करेंगे। चलिए ना सागर जी हम भी ऐश करने जाते हैं। हे भगवान मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं? क्या मही तुम्हें मेरी चिंता है कि नहीं? हाँ हाँ। तो मही तुम मुझे अकेले छोड़ के चली जाओगी तो मेरे खाने पीने का क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगा, क्या खाऊंगा मही? सागर जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, लक्ष्मी बहन है ना, मैंने उनको बता दिया है, वो आपको खाने का डिब्बा दे जाएगी। हाँ हाय गोवा जाएंगे, कुल्फी खाएंगे, खूब मजे करेंगे। मैं आई। हाँ ये मई के समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि बारिश के सीजन में रोमांस करने का मजा ही कुछ अलग होता है। सागर बेटा इस मौके को गवाना मत, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मई को गोवा जाने नहीं दूंगा। ठीक ठीक, लेकिन अगर मही के साथ सागर हो ना तो तुम बहुत अच्छी लगोगी। इसीलिए तो सागर जी मैं कह रही हूँ आप भी चले ना हमारे साथ गोवा। अरे मही मैं तुम्हें यहाँ रोकने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम वो की समझ ही नहीं रही हो। मतलब? अरे क्या मतलब मही, हम दोनों को 3 दिन एक दूसरे के साथ रहने का मौका मिल रहा है, वो भी अकेले। जरा सोचो इन 3 दिनों में हम अपनी पूरी जिंदगी जी लेंगे मही। ये क्या कह रहे हैं सागर जी? वही जो तुम सुन रही हो, हम दोनों बहुत मजे करेंगे मही। लेकिन 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 कुछ नहीं, देखो मही अगर तुम गोवा गई ना तो फिर देख लेना। जाना तो मैं भी नहीं चाहती, लेकिन सासू माँ को कैसे मना करूं? सागर जी सुनिए ना मही, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। अगर मैं कहूं कि मुझे भी गोवा नहीं जाना है तब भी नहीं सुनेंगे? लेकिन सागर जी हम लोग सासू माँ से क्या कहेंगे? अरे वही तुम उसकी चिंता मत करो, मैं बीमारी का बहाना कर दूँ और उसके बाद ना मॉम मेरी देखभाल के लिए तुम्हें खुद ब खुद रुकने के लिए कहेंगी। इसका मतलब सागर जी हम सासू माँ से झूठ बोलेंगे? ओ मही तुम ही कहती हो ना कि किसी के अच्छे के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं कहलाता। और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे तो वो हम दोनों के अच्छे के लिए तो होगा ना मही, है ना? चलो चलो जल्दी चलो मही, चलो 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 मही, लेट हो रहा है। सागर तुम क्यों लेटे हो? मॉम मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। क्या क्या हुआ बेटा? सुबह से पेट थोड़ा खराब लग रहा था, अभी थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है मॉम। ओह गॉड, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं नहीं मॉम, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा मॉम। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा सागर, घर में तुम अकेले हो, अगर कुछ हो गया तो? नहीं नहीं कुछ नहीं होगा मॉम मुझे। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, हम में से कोई यहाँ रुक जाएगा सागर के साथ। सागर तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए तुम बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाओगे, वरना तबीयत और खराब हो जाएगी। तो एक काम करो कन्हैयालाल, आप यहाँ रुक जाओ। ठीक है। अरे क्या ठीक है कन्हैयालाल जी, आप गोवा देखना चाहते थे कि नहीं देखना चाहते थे? फेल। और मॉम मई का क्या है, उसको तो मैं कभी भी गोवा घुमा दूंगा ना मॉम। हाँ मॉम, सागर भैया सही कह रहे हैं, सागर भैया मही को तो कभी भी गोवा लेके जा सकते हैं, पर कन्हैयालाल वो बेचारे कब जाएंगे? हाँ ठीक है, मही तुम रुक रही हो ना? मैं वो। अरे मही तुम्हारी मैं वो ये भाषा सब लोग नहीं समझते मही। मॉम मही ये कह रही है कि वो रुकने के लिए तैयार। हाँ हाँ, लेकिन तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? तुम्हारी तबीयत खराब है सागर? हाँ हाँ मैं तो बीमार हूँ अभी। ओके मही तुम यहाँ रुक जाना और कुछ भी प्रॉब्लम हुई मुझे फोन कर देना, मैं दूसरी फ्लाइट पकड़ के तुरंत आ जाऊंगी।
ओके। अरे मॉम आपको लेट हो रहा है। हाँ हाँ निकलते हैं हम लोग। बाय बेटा। मही मेरे बेटे का ध्यान रखना। जी। मही हम लोग तुम्हें बहुत मिस करेंगे। मैं भी भाभी। हम भी वो तुझ तलेंगे। मिस करोगे। हाँ बाय। चले चलो जल्दी। चलो चलो बाय बाय। मही और सागर एक कमरे में बंद हो। हाँ मही और सागर एक घर में बंद हो। और सागर आर यू श्योर हम जाए ना। हाँ हाँ मॉम आप जाइए मुझे कुछ नहीं होगा। मही है ना मॉम। हाँ हाँ मही ध्यान रखना। ओके बाय बेटा। और तुम एक कमरे में बंद हो। मही भाभी दूध गर्म कर दिया लेकिन फ्रिज में रखना भूल गया हूँ। आप लग देंगी। आते नहीं। अरे मही तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। थोड़ी सी हंसी थोड़ी सी खुशी थोड़ा सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनको से चलो बनाए आशियां। नहीं नहीं। अरे थोड़ी सी हंसी थोड़ी सी खुशी थोड़ा सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनको से चलो बनाए आशियां। सागर जी पहले आप नहाने जाइए। आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? क्या मही इतना रोमांटिक एनवायरनमेंट है और तुम ऑफिस की बातें करें? ओहो सागर जी अगर आज ही रोमांस कर लोगे तो बाकी की छुट्टियों में क्या करेंगे है ना? तो चलो अच्छे पति की तरह ऑफिस जाओ। नहीं नहीं जाना है मुझे ऑफिस। वैसे भी मैंने कल से 3 दिन की छुट्टियां तो ली हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज की छुट्टी लो। नहीं सागर जी पहले आप नहाने जाइए। आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे क्या यार मही मैं तुम्हारे पास आने के लिए इतने सारे पापड़ बेल रहा हूँ और तुम हो कि मुझसे दूर जा रही हो। कोई बात नहीं तुम मुझसे दूर जाओगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ओहो सागर जी नहीं अब पहले आप नहाने जाइए वरना मैं उसे कट्टी कर लूंगी। नहीं 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 मही तुम कट्टी मत करना नहीं तो तुम्हें मनाने में ही 3 दिन लग जाएंगे और पूरे प्राइवेसी कैसी की तैसी हो जाएगी। जाता हूं। जाओ इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का खाके दिन को। देखा मेरे रोमांटिक अंदाज का असर होने लगा ना तुम पर। सागर जी अब बिल्कुल नहीं सुधरोगे। जाओ पहले नहाने जाओ आपको ऑफिस जाना है। अरे ठीक से देखने तो दो। देख लिया जाओ। अरे सागर जी जाओ। कितनी अनरोमांटिक हो यार तुम वही। इतना अच्छा मौसम हो रहा है बाहर और इस मौसम में मैं हूं तुम हो और तुमने एक खड़ूस क्लास टीचर की तरह मुझे क्लास के बाहर निकाल दिया है। अरे मही सुनो ना बाबा दरवाजा खोलो ना मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं जानती हूँ सागर जी आपको क्या जरूरी बात करनी है। शाम को आकर जितनी बातें करनी हो उतनी कर लेना। देखो मही अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी ना तो मैं खिड़की से अंदर आ जाऊंगा। ओके नहीं नहीं सागर जी अंदर बिल्कुल मत आना। मैं सासू माँ को फोन कर दूंगी और उन्हें बता दूंगी कि आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई है तो वो। नहीं मही ऐसा कदम मत करना मैं जा रहा हूँ। हाँ मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुनो मही जरा मेरी मही का ख्याल रखना। ओके और आप भी मेरे सागर जी का ख्याल रखना। ओके कहिए क्या मही। सागर जी अभी हमारे पास 3 दिन बाकी है ना और वैसे भी कल से तो आपने छुट्टी ले ही ली है। हाँ मही लेकिन आज का दिन तो वेस्ट हो गया ना। नहीं होगा। हाँ शाम को आइए तो सही आपको एकदम खुश खुशहाल कर दूंगी। अच्छा
तब तो मैं आज की शाम का बेसब्री से इंतजार करूंगा मही। आप क्या समझते हैं सागर जी? देखिए मैं भी रोमांटिक हूं। सुबह मैंने आपको बहुत इंतजार करवाया ना, पर प्यार में इंतजार का एक अलग ही मजा होता है। अब आप मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाइए, जल्दी से आ जाइए। आ गए? आइए 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 आइए। क्या संस्कारी बहु मिली है हमको, मतलब मेरी बहन अंशुया ने कितने कूट कूट के संस्कार भर दिए। वाह वाह वाह, फूलों से मेरा स्वागत, अरे मोमबत्ती भी जला के रखी है, खाना भी तैयार है। ओहो हो हो हो। अरे अंशुया बाहर आके देख तो सही कौन आया है। खड़क दास आया है, तेरा दूर का कजिन। खड़क मामा आप? हाँ। अरे यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, मुझे पानी तो पिला। हाँ? सुन सुन, पानी है ना वो थोड़ा सा कम ठंडा और थोड़ा सा कम गर्म, ऐसा लाना। मुझे लगता है तू नहीं समझ पाएगी, मैं खुद ही ले लेता हूँ, चिंता मत कर। आज तक तो खड़क मामा के बारे में सिर्फ सुना था, आज तो उन्हें देख भी लिया। वाओ मही, तुमने तो सच में पूरा एनवायरनमेंट एकदम रोमांटिक सा बना दिया है। आई लव यू माय स्वीटहार्ट। शरम कर शरम कर, तेरा मामा यहाँ खड़ा है। अरे मामा जी आप यहाँ क्यों आए? मेरा मतलब है आप यहाँ कब आए मामा जी? अरे अभी अभी आया। देखो सागर बेटा, हमारे खानदान में आज भी बुजुर्गों के पैर छूने के संस्कार है। जीते रहो जीते रहो।